राजस्थान विधानसभा में पत्रकारों पर लगी पाबंदी, नाराज पत्रकार धरने पर बैठे। राजस्थान की 15वीं विधानसभा के दूसरे सत्र के पहले दिन गुरुवार को विधानसभा में पत्रकारों पर पाबंदी को लेकर हंगामा हो गया। नाराज पत्रकारों ने सदन में प्रेस गैलरी का बहिष्कार कर दिया। विधानसभा में पत्रकारों पर पाबंदी का विरोध करते हुए नाराज पत्रकार विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पत्रकारों का ये विरोध प्रदर्शन विधानसभा में मीडिया पर लगाई गई पाबंदी को लेकर हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के निर्देश पर मीडिया कर्मियों को सिर्फ पत्रकार दीर्घा तक सीमित रखा गया है। अभी की वर्षों से चली आ रही विधानसभा परंपराओं के अंतर्गत मीडिया कर्मी हां पक्ष और ना पक्ष लॉबी तथा नेता प्रतिपक्ष मुख्य सचेतक और मंत्रियों से उनके कक्ष में भी मिलने जाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार के पहले बजट सत्र के दौरान मीडिया कर्मी न मंत्री से मिल सकते हैं और न ही नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के किसी नेता से मिल सकते हैं। बजट सत्र शुरू होने से पहले बुधवार को विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में सभी दलों से विधायी कार्य ज्यादा से ज्यादा हो सके इसके लिए आग्रह किया गया। बुधवार को ही स्पीकर जोशी की ओर से मीडिया पर पाबंदी के निर्देश दिए गए। इसी तरह विधानसभा में प्रवेश को लेकर भी नई व्यवस्था जारी की गई। अब प्रवेश पास करवाने के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार इस बार मंत्रियों के पास कोई भी कैसे भी पास बनवाकर नहीं आ सकेगा।